जैसे कि आप जानते ही हैं कि मशहूर टीवी शो भाभी जी घर पर है में मलखान सिंह का किरदार निभा रहे एक्टर दीपेश भान अब इस दुनिया में नहीं है। शनिवार 23 जुलाई सुबह 41 साल की उम्र में दीपेश ने आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि दीपेश की मौत ब्रेन हैमरेज के कारण हुई है और अब उनकी मौत की खबर ने इंडस्ट्री में सनसनी मचा दी है। एक तरफ जहां इस खबर से निराशा है, उदासी है, तो वहीं इसी बीच दीपेश के साथ भाभी जी घर पर है शो में काम करने वाले विभूति नारायण और अंगूरी भाभी यानी कि एक्टर आसिफ शेख और एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे ने दीपेश की मौत पर बहुत बड़ा खुलासा किया है और बताया है कि आखिर कैसे हुई दीपेश की मौत। आसिफ शेख ने बताया कि मौत के समय दीपेश भान की कैसी हालत हो गई थी। मौत से ठीक पहले दीपेश भान की आंखों से खून निकल रहा था। जी हां, टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए आसिफ शेख ने दीपेश की मौत पर बताया, शूटिंग पर जाने के लिए मैं अपनी कार में बैठा ही था, उसी समय मेरे पास रोहिताश गौर का फोन आया। रोहिताश ने मुझे दीपेश भान की मौत की खबर दी। मुझे लगा कि रोहिताश मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। ये खबर सुनकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। आसिफ के मुताबिक दीपेश सुबह 7 बजे जिम गए थे। जिम से लौटने के बाद उन्होंने बिल्डिंग के कंपाउंड में क्रिकेट भी खेला। एक ओवर खेलने के बाद जैसे दीपेश बॉल उठाने के लिए झुके, वो थोड़ा लड़खड़ाए और गिर गए। इसके बाद वो उठे ही नहीं। आनंद फानंद में उन्हें घर के पास ही एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आसिफ ने कहा कि भान की आंखों से खून निकल रहा था, जो ब्रेन हैमरेज की ओर इशारा कर रहा था। डॉक्टर्स ने भी इसे ब्रेन हैमरेज बताया है। आसिफ ने ये खुलासा किया कि जब सुबह आप उठते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, ऐसे में जरूरत से ज्यादा मेहनत करना भारी पड़ सकता है। क्रिकेट खेलते खेलते वो बेहोश हो गया। क्रिकेट के मैदान से 5 मिनट की दूरी पर अस्पताल था। दीपेश भान को जल्दी ही भर्ती करवा दिया गया। वेल, आसिफ की बात से ये साफ इशारा मिलता है कि दीपेश भान उस सुबह काफी ज्यादा थके हुए थे और उनका ब्लड प्रेशर भी काफी कम था, जिसकी वजह से उनके साथ ये हादसा हुआ। तो वहीं आसिफ के अलावा एक्टर शुभांगी अत्रे ने खुलासा किया कि मौत से कुछ दिन पहले ही दीपेश ने अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया था और उनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई थी। ई टाइम से बातचीत में इस बारे में शुभांगी कहती हैं, मैं अभी भी सदमे की हालत में हूँ और विश्वास नहीं कर सकती कि दीपू हमारे साथ नहीं है। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम सभी ने सिर्फ एक दिन पहले ही सेट पर शूटिंग की, वो बिल्कुल ठीक था। उसने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले ही उसने अपना बॉडी चेकअप करवाया है और रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। वेल, आसिफ और शुभांगी के ये खुलासे वाकई हैरान कर देने वाले हैं कि बिना किसी बीमारी और बिल्कुल फिट होने के बावजूद दीपेश अचानक से सभी को छोड़कर चले गए।